हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा वाइब्रेशंस ऑफ 1D मोनोएटॉमिक लैटिस। अब इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं वाइब्रेशन ऑफ 1D डायटॉमिक लैटिस। तो इस केस में क्या होगा कि एटम्स टू टाइप्स के होंगे। एक एटम का मास m1 होगा एंड दूसरे एटम का मास m2 होगा। मासेज डिफरेंट होंगे और इसी के साथ साथ जो वाइब्रेशन है उसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंट वे में वाइब्रेशंस परफॉर्म होंगे। यहाँ पे एक केस हमने और कंसीडर कर लिया है कि m2 इज़ ग्रेटर देन टू m1। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं इसके लिए। इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम्स इन परमिटिव यूनिट सेल आर 2। अब ये पुराना वाला ही है, ईच वाइब्रेटिंग एटम कैन बी कंसिडर्ड एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और ये भी प्रीवियस वन है, ओनली नियरेस्ट नेबर इंट्रैक्शन कैन बी कंसिडर्ड। यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्योंकि इसका सॉल्यूशन काफ़ी बढ़ा जाता है, तो इसीलिए मैंने लिखा है टू इक्वेशन ऑफ मोशन, वन फॉर लाइटर एटम एंड अनदर फॉर हैवियर एटम। इस तरीके से ये टू इसका इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। अब इन दोनों को ही जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये केस कंसिडर करते हुए हमें जो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मिलेगा ओमेगा स्क्वायर, ये मिल जाएगा। क्या मिलेगा? सी वन अपॉन m1 प्लस वन अपॉन m2 प्लस माइनस सी वन अपॉन m1 प्लस वन अपॉन m2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर k/2। तो इस तरीके से ये एक बड़ा सा हमको फॉर्मूला मिला है। आप इसे मेमोराइज भी कर सकते हैं, और अगर मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको केसेस को याद रखना पड़ेगा कि किस कंडीशन में कौन सा फ्रिक्वेंसी आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो ब्रांचेस मिलती हैं। फर्स्ट होती है हमारी ऑप्टिकल ब्रांच एंड सेकंड होती है अकॉस्टिकल ब्रांच। ऑप्टिकल के केस में यहाँ जो प्लस माइनस आ रहा है, ऑप्टिकल के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस ले लेंगे एंड अकॉस्टिकल के केस में हम उसको माइनस कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, हमने इसको नाम भी दे दिया है कि ऑप्टिकल फोनॉन एंड अकॉस्टिकल फोनॉन। ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है एंड ये साउंड वेव होती है। ठीक, अब फर्स्ट केस हम कंसिडर कर लेते हैं ऑप्टिकल ब्रांच। ओके, तो ऑप्टिकल ब्रांच आइए देखते हैं। देखिए ऑप्टिकल ब्रांच को हमने जो फ्रिक्वेंसी है उसको हमने जो शो किया है वो ओमेगा प्लस स्क्वायर इज इक्वल्स टू। ठीक है, रिमेनिंग टर्म्स सेम रहेंगे। अब इसमें भी दो केस कंसिडर होंगे जो प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं, एट लॉन्ग वेवलेंथ एंड एट शॉर्ट वेवलेंथ। यहाँ जब हम केस कंसिडर करेंगे लॉन्ग वेवलेंथ पे तो हमारा फ्रिक्वेंसी फॉर ऑप्टिकल ब्रांच ये मिल जाएगा। ओके, ओमेगा प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 2c(1/m1) प्लस 1/m2। ये हमको फ्रिक्वेंसी फॉर ऑप्टिकल ब्रांच, ठीक है, एट लॉन्ग वेवलेंथ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शॉर्ट वेवलेंथ के लिए क्या रहने वाला है। शॉर्ट वेवलेंथ के लिए जब हम कंसीडर करेंगे तो प्रीवियस तरीके से ही रिजल्ट्स को फाइंड आउट करेंगे एट विजन जोन बाउंड्री। और यहाँ पे ऑप्टिकल ब्रांच के लिए हमें 2c/m1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एट शॉर्ट वेवलेंथ जो लाइटर मास है उसी का इफेक्ट कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, एट शॉर्ट वेवलेंथ फॉर ऑप्टिकल ब्रांच। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिख भी रखा है कि एट विजन जोन बाउंड्री द फ्रिक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ हैवियर मास, डिपेंड्स ओनली ऑन लाइटर मास। ओके, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए। ये दोनों ही केसेस यहाँ पे माइनस आएगा और इसको जो शो करेंगे वो भी ओमेगा माइनस स्क्वायर से ही शो करेंगे। अब यहाँ पे सेम कंसीडर एट लॉन्ग वेवलेंथ एंड एट शॉर्ट वेवलेंथ। ओके, तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हमारी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे ये मिल जाएगी एंड शॉर्टर जो शॉर्ट वेवलेंथ है उस केस में ये मिल जाएगी। यहाँ पे क्या हो गया कि ये लाइटर मास से इंडिपेंडेंट हो गई और अकॉस्टिकल ब्रांच यहाँ पे फिर से लिख रखा है, ये देखिए। ठीक है, हैवियर मास पे ही डिपेंड करेगी। इसके बाद फाइनली जो डिस्पर्जन रिलेशन ग्राफिकल फॉर्म में होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं और यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। वेरियस एग्जाम्स में यहीं से ही क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इन्हें मेमोराइज कीजिए एंड फर्दर हम देखते हैं और भी कॉन्सेप्ट इसके। इसके बाद कभी कभी हमसे बैंडविड्थ पूछ ली जाती है, तो बैंडविड्थ के लिए एट द टॉप ऑफ विलियन जोन एंड एट द बॉटम ऑफ विलियन जोन जो भी फ्रिक्वेंसी होंगी
उनको माइनस कर देंगे, उनका डिफरेंस ले लेंगे, तो हमें बैंडविड्थ पता लग जाएगी। अब दोनों ही केसेस में ये बैंडविड्थ डिफरेंट आएगी, अकॉस्टिकल के केस में ये आएगी एंड ऑप्टिकल के केस में ये आएगी। अब आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोअर फ्रिक्वेंसी ब्रांच है वो ऑप्टिकल है एंड हायर फ्रिक्वेंसी ब्रांच बेसिकली अकॉस्टिकल है। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं अबाउट लैटिस वाइब्रेशंस इन मोनोएटॉमिक लैटिस ओनली अकॉस्टिकल ब्रांच इज सपोर्टिव, ये हम देख चुके हैं। बट यहाँ पे क्या होता है 1D डायटोमिक लैटिस में दोनों दोनों का मतलब एकॉस्टिकल एंड ऑप्टिकल दोनों ही ब्रांच सपोर्ट करती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि सेंटर ऑफ मास रिमेन्स फिक्स्ड इन ऑप्टिकल ब्रांच। इसके बाद अकॉस्टिकल ब्रांच में क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास मूव्स करता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ये जितने भी पॉइंट यहाँ लिखे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इन्हें मेमोराइज कीजिए और अगर एग्जाम में आते हैं तो आई होप कि आप राइट ऑप्शन चूज कर पाएंगे। नेक्स्ट फर्दर यहाँ पे एक मैंने टेबल बना रखी है, आप इसे इसकी हेल्प से बेसिकली अकॉस्टिकल ब्रांच ऑप्टिकल ब्रांच टोटल ब्रांच एंड टोटल नंबर ऑफ मोड्स इसी के साथ साथ नंबर ऑफ एटम्स इन प्राइमेटिव यूनिट सेल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ डायमेंशन लिख रखा है 1D 2D एंड 3D। ऑप्टिकल ब्रांच के लिए P-1 2P-2 3P-3 ये ऑप्टिकल ब्रांच आ जाएंगी एंड यहाँ पे अकॉस्टिकल ब्रांच जो अकॉस्टिकल ब्रांच होंगी उसमें क्या होगा कि 1, 2, 3 वो डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही वेरी होंगी। 1D में 1 होगी, 2D में 2 होगी एंड 3D में 3 होगी। टोटल ब्रांच P 2P एंड 3P, टोटल नंबर ऑफ मोड्स PN 2PN एंड 3PN, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि पी क्या है, तो पी यहाँ पे बेसिकली है कि नंबर ऑफ एटम्स इन प्रमेटिव यूनिट्स है, ठीक है, और एन है हमारा टोटल नंबर ऑफ प्रमेटिव यूनिट सेल। इसके बाद मोड्स इन ऑप्टिकल ब्रांच इन डी डायमेंशन, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल, तो इसके लिए पी एन अप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक हमने 1D डायटोमिक लैटिस वाइब्रेशन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।